आज हमने जो दिन रखा है वो हमने ये बच्चों के साथ रखा है। ये बच्चे जो है वो गुजर बकरवाल फैमिली से हैं, तो हम एक गांव इजराम पथरी में आए हैं। तो ये बच्चों के साथ हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए, एक्टिविटीज़ जैसे कि बलून फिलिंग एक्टिविटी हमने किया, जैसे कि हमने प्रेयर किया, जैसे कि हमने कुछ सॉन्ग्स इनके साथ किए, राइम्स, जैसे कि हमने एक पेंटिंग कंपटीशन रखा। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में बलून्स भी है और पेंटिंग्स भी है। तो माशाल्लाह ये इतने काबिल और जहीन होने के साथ साथ बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं। हाँ बेटा, आज से क्या करोगे, मास्क पहन के रखा करोगे। मास्क है आपके पास? नहीं है? है, हम आपको अभी देंगे, ठीक है ना। एक मास्क के साथ साथ आपको बीमारी है ना फैल रही है ना, उससे बचने के लिए हमको मास्क, जैसे मैंने पहना है ना वैसे ही, क्योंकि नाक से जो सांस लेते हैं ना उसमें कुछ ये ना बहुत सारे खतरनाक जरासीम होते हैं, वो नाक से घुस जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो हमको मास्क पहनना है और साथ साथ हमको क्या करना है, साबुन से हाथ धोना है, ठीक है ना। आपके आपके पास यहाँ पे नदी भी है ना, नदी पे रोज जाओ, एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, तो हाथ साफ किया करो, ठीक है ना। और क्या करना है, और गर्म गर्म पानी भी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म गर्म पानी पीना है, ठीक है ना। अपने आप को साफ रखना है, रोज नहाना है, तो फिर बीमारी नहीं होती है, ठीक है ना बेटा। तो हम आपको अभी क्या देंगे, मास्क देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ आप लगा के रखोगे और रोज उसको लगा के रखोगे, ठीक है, ठीक है, देंगे। चलो शाबाश, देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, इसको रोज लगाना होता है मास्क, ठीक है बेटा, काफी है। इसको लगा के रखो, ठीक है ना, ठीक है। जब नहीं आएगा तो फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइट करना है। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, तू बड़ा मेहरबान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी का है तू, सभी तेरे, सभी तेरे, खुदा मेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर, तू बख्शीश कर, ऐ खुदा हमको अकल दे, हमको शऊर दे, हमको शऊर दे, और नेक और अच्छा इंसान बना। ये लो एक, आ जाओ, ते हैं व्हाइट कलर, ठीक है। आपको है बोलना है, आपको है पिंक, कौन सा पिंक, आपको है ब्लू, क्या है ब्लू, रेडी, वन टू एंड गो। हाँ शाबाश शाबाश, चढ़ो 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 चढ़ो, नहीं नहीं आता है, अब चढ़ो, अब आएगा आएगा शाबाश। जाकिर अब क्लैप करो, जाकिर जाकिर, इमरान इमरान करा जल्दी, शाबाश शाबाश। इमरान का बड़ा है ना, इमरान ने जीता गिफ्ट, ये स्केच पेन, ठीक है, इसको कलर करते हैं, ठीक है, लड़कियां देखेंगे कौन ज्यादा फूक भरेगा। वन टू एंड गो, भरो शाबाश शाबाश। क्या नाम है, क्या नाम, क्या है, यहाँ यहाँ से ये पूरा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये इसको हम बोलते हैं शेडो पेंटिंग। प्लीज वियर अ मास्क। जो हमें बले रखो टाक नहीं मिलेगी। काली कमली ऊंचा शान, काली कमली ऊंचा शान, या रसूल अल्लाह, लावे रसूल अल्लाह से देखो।
ऐसा करना है, ये है ना, इसको ऐसे रब करना है, ऊपर लगाना, नाखूनों को नहीं बोलना लगाना, नाखून है ना, नाखून को ऐसे रब करना है, इससे जो जरासीम है ना वो मारता है हाथ पे। ठीक है, जरा दिखाओ कैसे करना है। हम आपको ये भी देंगे, फिर रोज इसको लगाना है। ठीक है, ऐसे एक एक कतरा। देखो बेटा, देखो क्या करना है, साबुन है ना, इसको ऐसे पूरा रगड़ना है। ठीक है, जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप भी करो, ऐसे रगड़ोगे ना, फिर करना है ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे करो, ऐसे आप भी ऐसे ही करना। ठीक है, जरा करो, रोज रोज धोना होता है हाथ। ठीक है ना, इससे जरासीम भाग जाते हैं। ठीक है, जरा करो। If you happy and you know it, clap your hands. Happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, stamp your feet. If you happy and you know it, turn around. If you happy and you know it, turn around. If you happy and you know it, jump up high. If you happy and you know it, jump up high. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know it, say hello. Hello. If you happy and you know it, say hooray. Hooray. If you happy and you know it, say hooray. Hooray. Cut the cord, man. तो मसला ये है कि ये बच्चे जो है, जब से लॉकडाउन हुआ है, स्कूल में तो ये एंटर है, स्कूल में तो ये रजिस्टर है, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है इनका पढ़ने का कोई भी सहारा नहीं है, ना ही इनके पास मोबाइल फोन्स है, ना ही इनके पास कोई स्कूलिंग है, और ना ही इनके पास कोई बुक है, या ना ही इनके पास कोई नोटबुक्स है। हमने कुछ नोटबुक्स और कुछ स्टेशनरी भी इनके साथ शेयर की है। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि वो इन बच्चों तक पहुंचे, अगर कुछ भी जरिया करके इन बच्चों के पास वो पहुंच सकते हैं, लाइक जैसे कि हमारा मोबाइल स्कूलिंग है, टीचर ही इनके पास आ जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वो रहेगा। तो हमारे साथ मेरे साथ मुसद्दिक भी आए हैं। मुसद्दिक इज अ सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, तो ये भी मेरे साथ पूरा दिन रह चुके हैं। तो मुसद्दिक, आप अपने एक्सपीरियंस बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज जिंदगी की सबसे बड़ी एक्सपीरियंस मुझे मिली इन बच्चों के साथ, जब मैंने टाइम स्पेंड किया। मतलब ये हमेशा नहीं है कि इंसान को जो सीखे वो वही वापस दे, लेकिन इन बच्चों से मैंने ये सीखा कि इंसान को जो टैलेंट होता है वो अंदर से ही होता है। इनर टैलेंट जो इन्होंने आज हमें एक्सप्रेस किया, उससे मैं बहुत ज़्यादा नो एक्साइटेड हूँ। लेकिन ना इनके पास लॉकडाउन में कोई टीचर आया, ना इनके पास किसी ने हेल्प की, जो कम्युनिटी क्लासेस हैं इन्होंने वो भी अटेंड नहीं किए हैं। फिर भी जब मैंने इनका टैलेंट देखा, इनकी जो एक्सप्रेशंस देखी, मतलब आज दिन में, मतलब जो मैंने इनसे सीखा, मतलब जिंदगी की मुझे सबसे वंडरफुल एक्सपीरियंस होगी। मतलब ऐसे ही मैं, मतलब कहीं भी जाऊं, इतनी ज्यादा बड़ी एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिली। तो हमारे साथ एक बच्चा है, बेटा आपका नाम क्या है? जाकिर। जाकिर आपका नाम है, वेरी गुड नेम। आप मुझे बताओ, आप स्कूल जाते हो? जाते थे, अभी आता। अच्छा, जाते थे पहले। तो अभी जब से हड़ताल हुआ है ना, लॉकडाउन, तो तब से आप गए हो स्कूल कभी? नहीं। फिर कैसे पढ़ते हो आप? कुछ पढ़ाई करते हो आप? घर कुछ भी नहीं पढ़ाई करते हो? 6 महीने से 7 महीने से कुछ भी नहीं पढ़ाई किया? अच्छा, आप पढ़ना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो आप? टीचर। आप टीचर बनना चाहते हो? सब टीचर बनना चाहते हो, तो ठीक है, लेकिन पढ़ो। ठीक है ना, हमने आपको अभी बहुत सारी चीजें भी दी, बुक्स भी दी, नोटबुक्स भी दी, उनपे आपको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है ना, आपके गाँव में ऐसी कोई स्टेप लिया गया, ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया जिसमें बच्चों को पढ़ाया गया? सर, हमारे जो गांव है, गांव में नहीं लिए गए, लेकिन जो हमारा स्कूल है
उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो हमें यहाँ ग्राउंड में पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं, लोगों तक नहीं पहुँचती। अच्छा, तो आप क्या मानते हो कि जो ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हमारे अराउंड रहती है, आपको क्या लगता है इनके लिए ऐसी कम्युनिटी क्लासेस ऐसे हालातों में लेना ज़रूरी है, और सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए इसमें? सर, जो मैं अपने स्कूल की बात करूंगा, जो हमारे स्कूल है, बहुत से गुजर बकरवाल वहाँ पढ़ते हैं, और हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो मुफ्त पढ़ाते हैं, और जो यानी कि यहाँ तक नहीं पहुँचते जो गवर्नमेंट स्कूल वहाँ भी पढ़ाते हैं इसे, लेकिन जो सोशल हैं वो उनकी तरफ, जो लोग हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लेबर कराते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं और ध्यान नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि सोशल पीपल भी इसकी तरफ ध्यान दें। हमारी एक्टिविटीज देखिए, जो यहाँ पे इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें एक्टिविटीज करते हुए देखा, इन गुजर बकरवाल लड़कों के साथ, बच्चों के साथ। हम आसिफ से जानना चाहते हैं कि आसिफ, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी को मतलब आगे बढ़ावा के लिए? सर, मुझे आज ऐसा लगा कि मुझ में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना इनमें है। मैंने भी आज तक ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं की जैसे इन्होंने की, तो मुझे लगता है हमसे जितना हम पे गवर्नमेंट ध्यान देती है उनसे हमसे ज्यादा इन पे उन्हें देना चाहिए, क्योंकि इनके भी कुछ सपने ड्रीम्स होते हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं। आप मुझे बोलो, गवर्नमेंट के साथ साथ आप ये क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो कम्युनिटी पे, जो यहाँ के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, कि जो पीएचडी करके पीजी करके घर पे बैठते हैं, उनका क्या रोल रहता है कि इन जैसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? सर, मुझे लगता है जो हमारे गांव में, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, बहुत से यहाँ पे बहुत से डिग्री करके बहुत से बच्चे बैठे हुए घर में, हालांकि मेरा खुद का भी भाई है, वो भी बैठा है घर में, तो अगर हम कुछ करके इनको भी पढ़ाए जैसे हम वो हमें पढ़ाते हैं, इनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा, इससे हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत आगे जाएगी।